आज का मुद्दा, और आज का हमारा मुद्दा है सबके साथ है सब सधे। जी हाँ, रहीम दास जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, और वो दोहा यह है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, और रहमन सी मूल ही सींच वो और फूले फले अघाए। लेकिन राजनीति में ये चलता नहीं है, राजनीति में इसका दूसरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक को साधने से सब नहीं सकते हैं, बल्कि सबको साधने से सब सकते हैं। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर भाषण दिया और सदन के अंदर सारे वर्गों को लुभाने की कोशिश की, यानी सारे वर्गों से हमारा मतलब है शोषित, दलित, वंचित और महिला, पुरुष, युवा, हर वर्ग उनके उसमें था, और सबको उन्होंने लुभाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। कहा कि भाई युवा वर्ग को हम 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं, भत्ता देंगे आपको। जो एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए अगर 3 बार आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 बार तक आपको भत्ता मिलेगा। साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने बताया कि हम जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पर थी, हम उतर करके अब 2 नंबर पर आ गए हैं, और हमारी जो इनकम थी वो हमारी इनकम दोगुनी हो गई है। इतना नहीं, बजट जो काफ़ी कम हुआ करता था उसका आकार हमने काफ़ी बढ़ा दिया है। SDGP जो हमारी 10 से 11 लाख करोड़ हुआ करती थी, अब वो 20 से 21 लाख करोड़ हो गई है। तो यानी कि मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की, और मसला ये था कि शायद चुनाव के समय में कोई वर्ग छूट ना जाए, नाराजगी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने ये काम किया। लेकिन क्या रहीम दास जी का दोहा अब बेईमानी हो गया है? क्योंकि रहीम दास जी कहते हैं एकै साधे सब सधे, एक ही के साधने से सब कुछ सज जाता है और सब साधे सब जाए, सबके साधने से सब चले जाते हैं। रहीमन मूलई सींचियो, यानी रहीम दास जी कहते हैं आप मूल को सींचिए और फूलें फैलाएं अगाए, उससे आपको आपका जो फूल है, बाग है, वो सब अघा करके निकलेगा, फल फूल अघा करके निकलेगा। लेकिन यहाँ पर रहीम दास जी अब खड़े नहीं उतर रहे हैं, उनकी ये शोकोक्ति है वो उलट हो गई है। अब राजनीति की बात करें तो यहाँ पर सबको साधना होता है, तो सबको साधने में क्या सब सध जाएंगे, सवाल इसी पर उठाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल होगा, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मुख्यमंत्री ने किसको किसको साधने की कोशिश की और क्यों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार ने माफियाओं की जो जमीनें जब्त की हैं, वही गरीबों और दलितों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का भी ऐलान किया। CM योगी ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया। उन्होंने ये भी बताया कि 1 जुलाई से कर्मचारियों को 28% की बढ़ोतरी के साथ DA मिलेगा। साथ ही वकीलों को पहले सामाजिक सुरक्षा के तहत 1.5 लाख रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। CM योगी की सरकार निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी योजनाएं लाने जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने घोषणाओं का पिटारा खोला है। इससे पहले भी योगी जनहितकारी कई योजनाओं को जनता के लिए लागू कर चुके हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी इकोना स्टेडियम में टोक्यो में पदक विजेताओं पर तोहफों की बारिश कर प्रदेश के खिलाड़ी और युवाओं को जो मैसेज दिया है, वो निसंदेह 2022 को ध्यान में रखते हुए किया है। उन्होंने पदक विजेताओं को तो 42 करोड़ की मदद दी, वहीं खिलाड़ियों के कोचों को भी रकम देने की घोषणा की है। कुश्ती को खास प्रोत्साहन देने के लिए लखनऊ में कुश्ती अकेडमी को भी हरी झंडी दे दी है, जिससे कुश्ती प्रेमी जो कि ज्यादातर गाँवों में निवास करते हैं, उनका झुकाव योगी और खासकर BJP की तरफ बढ़ेगा, जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। योगी का सबको साधे सब सधे का फॉर्मूला।
योगी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं का सम्मान। सभी खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपए का पुरस्कार। नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, चानू को 2.5 करोड़। ब्रॉन्ज पदक विजेताओं को 1 करोड़ का इनाम। लखनऊ में होगी कुश्ती एकेडमी की स्थापना। हॉकी खिलाड़ियों को भी देंगे प्रोत्साहन। खिलाड़ियों की डाइट का भी बढ़ाया बजट। अब 250 के बजाय 375 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। अनुपूरक बजट में भी छात्रों युवाओं को लुभाने का प्रयास। 1 करोड़ छात्र छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन। 1 जुलाई से कर्मचारियों के डीए में हुई बढ़ोतरी। निराश्रित महिलाओं के लिए भी योजना। वकीलों के सामाजिक सुरक्षा बजट में भी बढ़ोतरी। योगी ने खेल के अलावा युवाओं और छात्रों को भी सीधे लाभ पहुंचाकर 2022 मिशन की ठोस शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि योगी एक बड़े तबके को अपनी ओर मिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि योगी ने साबित करने का प्रयास किया है कि सबके साधे सब सदे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सबको साधे सब सदे, क्या ये संभव है? हम और इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान यहाँ लखनऊ स्टूडियो से हैं। अमित पुरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका अमित पुरी जी। नमस्कार। और हमारे साथ रणविजय सिंह जी हैं, यहाँ पर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर के संपादक रहे हैं और कई जगहों पर उन्होंने संपादन का काम किया। बहुत स्वागत है आपका रणविजय सिंह जी। आपका भी। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आपका बहुत स्वागत है शशांक जी। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह हम जब वो हमसे जुड़ेंगे हम उनसे आपका परिचय जरूर कराएंगे। सीधा अमित पुरी जी का रुख करते हैं। अमित पुरी जी जी, क्या रहीम दास जी का दोहा 21वीं सदी में बेईमानी हो गया है? मुझे नहीं लगता कि वो बेईमानी हुआ है जी। सामान्य तौर पर और आज भी मैं इसे कंटिन्यूअस रिपीटिशन में अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में लेता हूँ कि मीडिया हैज़ इट्स ओन विजडम और मैं कभी उस विजडम को चैलेंज नहीं करता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, स्कैनर में नहीं रखता और यही बात आज भी मेरे लिए सही है। लेकिन तो भी आपने सवाल किया तो जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं उनको ये जिज्ञासा होगी कि इस दोहे का क्या और भावार्थ हो सकता है। बिल्कुल, मैं उसमें जाऊं या ना जाऊं यथार्थ में जरूर चला जाता हूं, निहितार्थ आप सबके लिए छोड़ देता हूं। और यथार्थ ये है कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की अभीप्साओं को साधना लोकतंत्र के गर्भ से निकली हुई सरकार का मूल कर्तव्य है और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो उन्हीं अभीप्साओं को साधने की प्रयासरत है। नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक ही दोहे के कई कई, आप तो टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, एक एक दोहे के कई कई अर्थ निकलते हैं, भावार्थ होते हैं और सबके अलग अलग मायने भी होते हैं। तो क्या यहाँ भी अब हम ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का 2 दिवसीय खटीमा दौरा शहर में, भावार्थ और इसका मतलब अलग होगा? बिल्कुल सही है, मेरे सामने ये गिलास रखा है, इस गिलास के अंतिम सिरे पे पानी है, कोई कह सकता है इतना ही पानी है और कोई कह सकता है कि इतना खाली है और इतना भरा है जी। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, ये लोकतंत्र का मूल है। अलग अलग मस्तिष्कों में अलग अलग विचार जाएंगे, उनका शास्त्रार्थ होने दीजिए, संवाद होने दीजिए, उनका प्रतिवाद मत कीजिए, संवाद कीजिए, अनुवाद खुद आ जाएंगे। ठीक है, शशांक जी के पास चलते। शशांक जी, मुख्यमंत्री जी ने सबको साधने की कोशिश की है, क्या लग रहा है आप सबको साधे सभी सदेंगे, सद पाएंगे लोग क्या? क्योंकि जब वो मजमा लगता है सड़क के किनारे जो डुगडुगी बचाते हैं, मदारी जो होता है, तो वो सभी को साधता है, जितनी भीड़ खड़ी होती है उसका कोई टारगेट ऑडियंस नहीं होता है,
कि वो है पर्टिकुलर पैंट वालों को बात करेगा या वो पर्टिकुलर जो है धोती वालों से बात करेगा, तो सबको साधता है। ये उसी तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं और इतना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं और बड़ी आसानी से बड़ी झूठ भी बोलते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। 3,000 करोड़ रुपए से 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटने की बात कही है। अब 3,000 करोड़ की बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि मिनिमम लैपटॉप 28,000 रुपए का है। अगर 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप बांटना है तो 28,000 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आधों को बांटना है तो 14,000 करोड़ रुपए का लैपटॉप चाहिए और उसके बाद स्मार्टफोन आप बहुत ज्यादा पहुंचेंगे तो 20-25 लाख तक पहुंचेंगे और 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर। तो ये तो केवल एक लुभाने की कोशिश है और जब दुकान सिमटने की नौबत आती तो आदमी सब कुछ बेचने पे उतरता है। ये दिया फड़फड़ा रहा है, सरकार जा रही है, उसके फड़फड़ाहट की एक आवाज है, उस वजह से ये चीज को बोल रहे हैं कि सबको साथ लो। यहाँ पर जो सरकार इतनी डरी हुई हो विपक्ष में, जो हल्ला मचाती हो कि साहब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और 90 दिन का प्राविधान है कि सदन चलना चाहिए 1 वर्ष में 90 दिन और इसके 5 साल में 90 दिन नहीं हो रहे हैं। आज उन इतना बड़ा झूठ कि वो पूरी प्रेस आपने भी चलाया था, सारी मीडिया ने चलाया था कि 19 तारीख से सदन चलेगा और 24 तारीख तक चलेगा। जब बड़े टिपिकल सवाल उठने लगे तो तुरंत से उठा के उन्होंने आज नाम ले लिया। और जब आपने सदन बुला रखा था तो क्या जरूरत थी कि आज का, जब आपको ये कार्यक्रम करना ही था जी, जब कार्यक्रम करना ही था खिलाड़ियों के सम्मान का, आप 19 तारीख के बाद बुला लेते। आप क्यों ऐसा करते है कि आप अगर हम विरोध करें कि साहब जो है खिलाड़ियों का सम्मान करने जा रहे हैं सदन, क्यों आपने बुलाया? क्योंकि साहब आप खिलाड़ियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और आप दूसरी तरफ आप जानबूझकर पब्लिकली एक प्रेस नोट जारी करके आप कहते हैं कि 24 तारीख तक सदन चलेगा, लेकिन आप 19 तारीख को ही 2 बजे उठा के सदन खत्म कर देते। ये सरकार झूठी है और मदारी की तरह दुकान पे सबको साधने की, अपना माल बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन मदारी की तरह सबको साधने की कोशिश कर रही है। ठीक, मदारी की तरह सबको साधने की कोशिश कर रही है। ठीक है शशांक जी, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रामेश्वर मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रामेश्वर जी आपका भी, और आप ही के पास आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आज सदन के अंदर तमाम घोषणाएं कर दी और सबको साधने की कोशिश किया है, क्या कहेंगे आप? भी बात या बजट आता है तो चुनावी घोषणा ही है, लेकिन ये आप देखिए कि जो पिछले बार इन्होंने तो ऐसी बहुत लोग लुभावन घोषणा की थी। एक मूवी आई थी, नायक मूवी आया था, उसमें ऐसे ही मैनिफेस्टो थे कि खुशियां आएंगी, गरीबी जाएगी, रोजगार मिलेंगे, बेरोजगारी जाएगी। लेकिन ये सब क्या है ना कि आप पिछला इनका देखिए, ऐसे लोक लुभावन में आपको बता देता हूँ, काफी इन्होंने कहा था कि जैसे कक्षा सभी कक्षे के लड़कों को जो 12 से ऊपर के हैं, 12 तक पढ़ रहे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और 12 से ऊपर जिनके 50% तक का आता है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गरीब छात्रों के लिए 500 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा था कि अम्बेडकर कोर्स की एक स्थापना होगी, वो ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने बोले थे कि देश के सभी युवाओं को जो कॉलेज में दाखिला लेंगे प्रदेश के अपने, उनको मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सभी कॉलेज विश्वविद्यालयों में बोले थे वाईफाई की सुविधा से लैस हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं किया। इन्होंने बोले थे कि जितने बच्चे इंटर से ऊपर के उनको 1 GB डाटा फ्री देंगे, छोटा सा था, उसको भी इन्होंने नहीं किया। बोले कि लड़कियों के लिए अहिल्याबाई मतलब फेलोशिप की व्यवस्था की जाएगी, जो स्नातक तक लड़कियां पढ़ेंगी उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि गरीब परिवार में जो बेटी मतलब बच्चे, रामेश्वर जी आपने भाई रामेश्वर जी आपने तो लंबी चौड़ी फेरिस्त गिना दी और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अभी तो 5-6 महीने बाकी है ना सरकार के, सारे वादे पूरे कर देगी। अब लास्ट में आप अगर पूरे बजट नई नई योजनाएं सब लॉन्च करेंगे तो जनता के आपके ऊपर कोई कैसे विश्वास करेगा? आपने 4.5 साल में, अगर रामेश्वर जी आपका समय, ठीक है रामेश्वर जी आपका समय समाप्त हो गया है, दोबारा से आपके पास आऊंगा। और बात यही है ना कि देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत भोली है, दो चार महीने में सब कुछ भूल जाती है सब उसको जी। और मैं रुक करूंगा रविजीत सिंह जी का। रविजीत सिंह जी आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा कहना ये कि जो आप बोल रहे उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा जी। और अमित जी वो अच्छे प्रवक्ता है और बड़े मजे जी, तो उन्होंने
उन्होंने भी जो बात बोली बड़े सदे ढंग से कही, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास समय कहाँ है और 3 महीने बाद जब वो आचार संहिता लागू हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, कैसे सब आप पूरा करेंगे, कौन सुनेंगे जब ऐसे नहीं सुन रहा। और दूसरे आपने बजट का आकार बता दिया, हमने बढ़ा दिया, कोविड है जिसमें आपके सब है, टैक्सेस की वसूली कम हो गई है, आप ही लोगों की रिपोर्ट है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो बोलते हैं, पहले नेता बोलता था, मुख्यमंत्री बोलता था तो ये लगता था कि इससे हमारा भाग्य खुलने वाला है। अब जनता उसको इसी तरह से लेती है कि जैसे बेमौसम बरसात होती है, ये बरसात की तरह है और उन्होंने अपना रस्म पूरा किया और लोकतंत्र की जो नई संस्कृति का उदय हुआ है, उस नई संस्कृति में जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है। तो ऐसे में प्रतिवाद नहीं है, सवाल नहीं है जी। ऐसे में आपको एक तरफा देश प्रदेश को किसी को ऑडियंस को संबोधित करना है तो संबोधित कर दीजिए, बोल दीजिए, वो मायने नहीं रखता है। मुझे तो जो भी बातें ये जो भी घोषणाएं हैं वो मुझे एक ऐसे घोषणा पत्र की जैसे लगते हैं, ये बजट लगता ही नहीं कि सबको दे दो रोटियां, कोई टॉफी सबको बांटो। अब ये टॉफी किसके हिस्से में जाती है, कौन वो सौभाग्यशाली होगा जो 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 पा जाए, ये बड़ी बात जी। लेकिन आपको ये बजट नहीं लगता है, मुख्यमंत्री की कई बातें आपको वो मौसम की बारिश दिखाई दे रही है। अमितपुरी साहब देखिए, कई सवाल इस दौर में आए हैं जी और मुझे लगता है कि दर्शकों के हित में उन सारे सवालों का बहुत क्रमवार 5 से 6 पंक्ति के अंदर उत्तर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, कोविड के बावजूद GST का कलेक्शन उत्तर प्रदेश का 28.5% बढ़ा ऑन रिकॉर्ड। ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस की रेटिंग में उत्तर प्रदेश ने छलांग लगाई। तीसरी बात, GDP का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें उत्तर प्रदेश का शेयर GDP कंट्रीब्यूशन में बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। ये 4 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैं कह रहा हूं, इसके डेसिमल के ऊपर वेरिएशन हो सकता है लेकिन इन फैक्ट्स के अंदर कोई पॉलिटिकल कॉन्कॉक्शन ऑफ फैक्ट्स या फैब्रिकेशन या कैमोफ्लेजिंग नहीं है किसी प्रकार का। सवाल ये है कि अब लोग आंकड़ों पर एतबार नहीं करते हैं, मुश्किल ये आ गई आ रहा। इस देश में अगर 2 शब्दों का सर्वाधिक मूल्य अवमूल्यन हुआ है तो हमारे घर परिवार में भी जब हम बातचीत करते हुए थोड़ा सा जिया के कहते तो कहते भाई नेतागिरी ना करो, आंकड़ेबाजी ना करो। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई यह है कि आंकड़े अपने आप में स्थिर है। तो जब यह कहा गया कि बजट का साइज बढ़ गया है तो साइज इसलिए बढ़ा कि जब हमारे पास GST कलेक्शन बढ़ा, राजस्व आया। अमितपुरी साहब जी, बजट का साइज तो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हर साल 10 से 15% बजट पर नहीं बढ़ रहा है। पहले 4 लाख का बजट था, अब 5.5 लाख का हो गया है, 6 लाख का कर लीजिए, तो 5 साल में तो बढ़ेगा ना सर। नहीं, इसके साथ दूसरी पहलू भी है जी, राजकोषीय घाटे के बारे में आप 2 बिल जो NDA की सरकार लेकर के आई और पिछले सफलतापूर्वक 7 सालों के अंदर वो चल रहे, एक FRBM एक्ट और दूसरा इंसॉल्वेंसी बिल। FRBM एक्ट के अंदर इस साल कोविड में जरूर हमने राजकोषीय घाटे में 3.14 से 28 की तरफ बढ़ने की तरफ हमने अनुमति संसद के अंदर से प्रदान की है जी। और वो राज्यों को भी प्रकरांतर से प्रदान हुई है। इसी के साथ आप स्मरण करेंगे GST कलेक्शन के अंदर हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग के अंदर 42% का शेयर जो 24 और 24.5% हुआ करता था, वो फाइनेंस कमीशन की शेयरिंग भी स्टेट्स को श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, और मैं ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई भी सरकार ने भारत के संघीय ढांचे में सबको मिला। लेकिन अब आइए मूल बातों के ऊपर जरा चर्चा कर लिया जाए, जहां कांग्रेस और बाकी के राजनीतिक मित्रों की चर्चा जी। भाई अभी मैंने सुना कि लैपटॉप बांटने पे कुछ दर्द हो गया लोगों को। नहीं, दर्द नहीं हो गया,
वो ये कह रहे हैं कि 4.5 साल से नहीं बटा हुआ, बांटने जा रहे हैं शुरुआत से बांटने जा रहे हैं, अभी सब पे आ रहे हैं सारे कुछ। आप करें हुजूर तो बात आसमानी जिले इलाही, और हम कर दे तो खुदाई ना फरमानी। आप लैपटॉप बांटने की बात कर गए तो बड़ा अच्छा काम किया, आप उसकी रेट लिस्ट बता रहे थे। मैं आपको स्मरण करा दूं, जब कोई सरकार परचेज करती है तो डीजीएसएनडी रेट कॉन्ट्रैक्ट पे करती है और जैम के पोर्टल के थ्रू करती है, तो जो मार्केट वेरिएशंस रेट के हैं वो और जो गवर्नमेंट परचेजेस होती है डीएसएनडी रेट कॉन्ट्रैक्ट और जैम के पोर्टल से, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक बात। यहां कांग्रेस के मित्र बैठे थे और सपा के मित्र बैठे, उनको याद दिला दूं हमने कोई भेदभाव नहीं किया हुजूर। आप सवाल नहीं चलेगा ना, सवाल भी प्रदीप जी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं शेयर करना चाह रहा हूं। ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगे का कंपनसेशन जब आप बांट रहे थे तो आपने एक वर्ग विशेष को कंपनसेशन देने की बात कही, सर्व समाज को कंपनसेशन देने की बात नहीं कही। कन्याओं को जब आगे पढ़ने के लिए मौका दे रहे थे, तो आप कह रहे थे अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं को मिलेगा। हमने लगातार किसी जाति विशेष किसी वर्ग विशेष पर खिलाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीत यही है कि वो अपनी पिच पर खिलाना चाहती है। सवाल तो नहीं था ना, जो एक सवाल बता रहा हूँ ना, आपने कहा कि ठीक है जब बल्क में खरीदा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी खरीदती है तो आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिलता है। सवाल उनका ये नहीं था, सवाल ये कि आपने 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया, एन चुनाव के वक्त आपने क्यों बजट एलोकेट किया और बांटने की बात कर रहे हैं। कोई भी दुनिया का खेल मुझे बता दीजिए, मैं बहुत ईमानदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जी, क्योंकि अब तो खेला हो गए विपक्ष का, आधार वाक्य है ना, धर्म वाक्य है। तो किसी भी खेल के अंदर जो स्लो ओवर्स होते हैं उसमें बैट्समैन को रन रेट एक्सेलरेट करके मैच को विन ओवर करना, ये उसका नैतिक दंड है। पूरे खजाने कह रहा हूं, पूरे फिक्सर कैमरे के सामने आंख में आंख डालकर कह रहा हूं, और अगर यही नैतिक साहस हो तो हमको बताइए कि कब्रिस्तान और शमशान में भी जो सरकारें मतभेद करती रही हो और जो उसके ऊपर आरोप लगाकर 27 साल देवरिया से दिल्ली तक की यात्रा करके खड़े हो जाए, वो हमको नसीहत देंगे, पॉलिटिकल नसीहत। अमित पुरी जी, हम अभी इंग्लैंड की हरी भरी पिच पर नहीं खेलेंगे और इंडिया की स्पिन की पिच पर, बिल्कुल आप पिच पर खेलेंगे। शशांक यादव जी, अमित पुरी जी कह रहे हैं कि जब हम बल्क में खरीदेंगे तो इतना कॉस्टली नहीं होगा ना, तब तो सस्ते में मिल जाएगा, सबको दे पाएंगे। आपने भी खरीदा था ना, कैसे खरीदा था एससीएल से बता दीजिए। सही बात कर रहा हूँ प्रदीप जी, एक सवाल का जवाब बड़ा घुमा घुमा के जलेबी बना के दे रहे हैं अमित भाई, और एक तो आवाज उनकी पूरी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ जितना मैं समझ पाया हूँ जी। उन्होंने कुछ स्लॉग ओवर्स की बात करी है, तो स्लॉग ओवर में क्रिकेट की रियल गेंद की जगह क्रिमिच की गेंद खेलने से काम नहीं चलेगा। असलियत यह है, एक माननीय मुख्यमंत्री, अमित भाई जो मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि 3,000 करोड़ रुपए हमने 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए किया है। हम समझते हैं दुनिया का सबसे सस्ता आप खरीद लेंगे, खाली मुझे गिनती बता दीजिए कि कितने लैपटॉप होंगे कितने स्मार्टफोन होंगे, क्योंकि 1 करोड़ युवाओं को अगर आपको स्मार्टफोन देना है तो आपको न्यूनतम स्मार्टफोन आज की तारीख में 3,3200 तक का मिल जाएगा, मैं मान सकता हूं, लेकिन आपने इसमें वर्ड लैपटॉप जोड़ दिया, आप अखिलेश जी की शरण में चले गए, क्योंकि ये आपका ऑडियो बंद हो गया, अपना ऑडियो खोल लीजिए शशांक जी, आपकी आवाज बंद हो गई, अमित पुरी जी ने बंद कर दिए। नहीं मैंने नहीं की, 3,000 करोड़ में कितने स्मार्टफोन होंगे और कितने लैपटॉप होंगे, खाली इतना बता दीजिए कि 3,000 करोड़ में जो बजट का प्रोविजन है, उस बजट प्रोविजन आपको पूरा डिटेल बाफर केक करके लाए अमित पुरी जी। जी जी मुझे प्रदीप जी, मुझे लगता है कि आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे, अमित जी की बात मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। अभ्युदय की योजना के थ्रू उनको कोचिंग देना, रोजगार परक विषयों के साथ जोड़ना, और उसके बाद नौकरी के प्रयास करते समय जो आप कहते थे फॉर्म भरते समय बुलाया बार बार पैसा लगता है और बेरोजगार आदमी कैसे उसका खर्चा पूरा करे, सरकार ने इन सारी अभिप्साओं को उत्तरित करने की कोशिश की है।
जी जितने सदन के पटल पर मुख्यमंत्री ने कहा, और मैं मानता हूँ सदन के पटल पर मुख्यमंत्री की कही हुई बात ये अगर गलत हो तो विशेषाधिकार बनती है। अमितपुरी जी पूरा होने दीजिए, सदन हो विशेषाधिकार प्रस्ताव ले आइएगा। सदन की एक गरिमा है, उसके पटल पे कई बात सदन की संपत्ति होती है, और वो संपत्ति खाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, पूरे सदन मार्ग पे बैठने वाले लोग। ठीक है अमितपुरी जी, वह ब्रेक के पास जाएंगे। अमितपुरी जी शशांक जी ब्रेक पर जा रहे हैं, और इन द मीन टाइम आपको अमितपुरी जी पूरी डिटेल देंगे कि कितने लोगों को लैपटॉप मिलेगा, कितने में मिलेगा, कितने को स्मार्टफोन मिलेगा। इसीलिए हमको एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रहीम दास जी का दोहा, हालांकि एक दोहे के कई कई अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन क्या अब वो बेईमानी हो गया है, अब उसका दूसरा अर्थ भी छात्रों को पढ़ना पड़ेगा। चर्चा इसी पर जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।